मोकामा के लाल ने किया कमाल, बना दिया ऐसा प्रोजेक्ट कि दबा लेंगे दांतों तले उंगलियां। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। मोकामा के कुछ बच्चों ने कर दिया है ऐसा कारनामा कि आप कह उठेंगे वाह क्या बात है। भारतीय रेलवे द्वारा मोकामा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत का ठहरा देकर रेल अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों के उत्साह को बढ़ा दिया था। अब उसी उत्साह के परिणाम स्वरूप मोकामा के कुछ बच्चों ने वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो हूबहू सत्य प्रतीत होता है। इन बच्चों ने मोकामा रेलवे स्टेशन, वंदे भारत एक्सप्रेस, फुट ओवर ब्रिज, आई लव मोकामा का एक ऐसा मॉडल बनाया है जो बिल्कुल ही असली प्रतीत हो रहा है। इन बच्चों द्वारा प्रदर्शित समर्पण और रचनात्मकता का स्तर वास्तव में सराहनीय है। उनका प्रोजेक्ट न केवल उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है बल्कि वंदे भारत एक्सप्रेस के रुकने से उनके समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव को भी उजागर करता है। जैसे ही आप उस कमरे में प्रवेश करेंगे जहां उनका मॉडल प्रदर्शित है, आप तुरंत विवरण पर ध्यान आकर्षित करते हैं। छोटा मोकामा रेलवे स्टेशन गर्व से खड़ा है, जिसमें प्लेटफॉर्म, बेंच, टिकट काउंटर, यहाँ तक कि छोटे यात्री भी अपने ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। स्वच्छता मित्र स्टेशन परिसर पर साफ सफाई करते देखे जा रहे हैं। आई लव मोकामा और तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। बच्चे ने स्टेशन के हर पहलू को सावधानी पूर्वक उकेरा है और उसके सार को त्रुटिहीन ढंग से कैद किया है। स्टेशन के निकट वंदे भारत एक्सप्रेस की एक आदर्श प्रकृति है। इसका चिकना डिजाइन और जीवंत रंग इसे एक आकर्षक केंद्र बिंदु बनाते हैं। बच्चे ट्रेन के वायुगतीय आकार से लेकर इसके विशिष्ट लोगो तक हर जटिल विवरण को पकड़ने में कामयाब रहे हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि यह उत्कृष्ट कृति पूरी तरह से बच्चों द्वारा तैयार की गई है। लेकिन जो बात वास्तव में आपको आश्चर्यचकित करती है वह है उनके प्रोजेक्ट में एक लघु फुट ओवर ब्रिज का शामिल होना। इस पुल का बहुत ही महत्व है क्योंकि यह पुल मोकामा रेलवे स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म से लेकर 4 नंबर तक के प्लेटफॉर्म को जोड़ती है। यहां तक कि यह पुल मोकामा के दक्षिणी और उत्तरी छोर को भी जोड़ती है। मोकामा के कुछ बच्चों ने मोकामा रेलवे स्टेशन और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मॉडल बनाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। रिसु उर्फ मैंगो, पीयूष, आयुष, हर्ष और श्रीराम के अथक प्रयास का नतीजा है कि इतना जीवंत मॉडल तैयार हुआ है। जो भी इस मॉडल को देखता है प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाता। मोकामा रेलवे स्टेशन और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मॉडल के जटिल विवरण और सटीकता से सभी को आश्चर्यचकित कर रहा है। अपने प्रोजेक्ट के प्रति बच्चों का समर्पण और जुनून उनके द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कृति के हर इंच में चमकता है। रिसु ने डिजाइन के प्रति अपनी गहरी नजर बनाए रखते हुए मोकामा रेलवे स्टेशन की वास्तुकला को सावधानी पूर्वक तैयार किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक स्तंभ, खिड़की और प्लेटफॉर्म का सटीक प्रतिनिधित्व किया जाए। इंजीनियरिंग अवधारणाओं में माहिर पीयूष ने अत्यंत सटीकता के साथ पटरियों और पुलों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे एकदम वास्तविक जीवन के समकक्षों को त्रुटिहीन रूप से प्रतिबिंबित कर सकें। आयुष की कलात्मक प्रतिभा ने मॉडल में जान डाल दी क्योंकि उन्होंने प्रत्येक छोटे तत्व को जीवंत रंगों और जटिल पैटर्न के साथ चित्रित किया है। विस्तार पर उनका ध्यान उल्लेखनीय था क्योंकि उन्होंने छोटी से छोटी बारीकियों को भी पकड़ लिया जो मोकामा रेलवे स्टेशन को अद्वितीय बनाती है। हर्ष की विशेषज्ञता तब काम आई जब उन्होंने पूरे मॉडल को कुशलता से जीवंत उतार दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मोकामा रेलवे स्टेशन ही छोटे रूप में उतर आया हो। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।